लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ फटाफट खबरों की ओर। राज्य सरकार जुलाई के मानसून सत्र में ला रही है बजट। आय बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कर सकती है घोषणा। सालों से एक एक रुपए टोकन और छोटे बजट के नाम पर चल रही 150 स्कीमों पर लगेगा ताला। अयोध्या बाईपास स्थित अर्जुन नगर बस्ती में घर से गुम हुई बीएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 12 घंटे बाद उसे ले जाने वाले युवक ने भी दे दी अपनी जान। बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा नेता लालटेन लेकर उतरे सड़कों पर, कहा जंगल राज नहीं चलेगा। भोपाल में सूदखोरों से परेशान होकर ऊर्जा विकास निगम के क्लर्क ने ट्रेन से कट कर दे दी अपनी जान। बावड़ी कला फाटक के पास ट्रैक पर मिला शव। प्रदेश में 2 आईएएस अफसर के हुए ट्रांसफर। तरुण पिथोरे को बनाया भोपाल का नया कलेक्टर। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुआ जमकर विवाद। इंटर्न डॉक्टरों ने परिजनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिवनी में पानी की तलाश में गांव के पास आए 3 बाघ। वन विभाग ने कहा सतर्क रहे लोग। सिंगरौली में 7 साल के मासूम बालिका के साथ 2 नाबालिगों ने किया दुष्कर्म। बालिका की हालत गंभीर। दोनों आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। छतरपुर में दवा की जगह खा लिया था जहर। 66 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। रात 11 बजे मुल्ताई के आगे राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग। यात्रियों में मची भगदड़। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।